द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, ओम मणि पद्मे हम ओम सहिराम। सबसे पहले तो गाइस मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी। मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ था कि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है और इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाऊँगी, तो इतने सारे लोगों ने कमेंट्स किए, दुआएँ दी, थैंक यू सो मच। कमेंट्स पढ़ के ही काफ़ी कुछ अच्छी हो गई, मैं मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके सो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, मैंने कुछ डिसाइड किया हुआ है, मैंने सोच कर रखा है कि जिन लोगों ने मुझे कम्युनिटी में कमेंट्स किए थे, मेरे लिए प्रे किया, उन सभी के लिए मैं 3 डेज का हीलिंग रखूँगी। उन सभी के नाम है मेरे पास, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं तो बेशक आप लोगों के नाम मेरे पास आ गए हैं। लेकिन हीलिंग करने से पहले हमें परमिशन लेनी होती है कि हम हीलिंग करें या फिर नहीं करें। तो अगर आप लोग तैयार हो तो ये 3 डेज का सेशन मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इतनी दुआएं की, सो मैं भी कुछ करूँगी, राइट। तो अगर आप लोग तैयार हैं, एग्री हैं, देन प्लीज़ आप लोग कमेंट में यस ज़रूर लिख देना, या फिर तो मैं अलग से एक पोस्ट ही डालूँगी कम्युनिटी में, तो वहाँ पर जितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं वो प्लीज़ यस लिखकर भेज दें, ताकि मैं आप लोगों की हीलिंग शुरू कर सकूँ। ओके सो यस, ये मैं करने वाली हूँ। एंड गाइज, फिर से आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, और ये पिका कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी या फिर किसी और से होगी। सो यहाँ पर यस एंड नो होगा, ठीक है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में आपको परसेंटेज बता देती हूँ कि इतने परसेंटेज चांसेस हैं काम होने के या फिर नहीं होने के। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो या तो मैनिफेस्टेशन जानते नहीं हैं, ठीक है, तो वो करते ही नहीं हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि भाई होगा या फिर नहीं होगा उनका काम। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि वो कई महीनों से, सालों से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो फाइनली बता दें कि होगा या नहीं होगा। सबसे पहले एक बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि जो मैनिफेस्टेशन करते हैं उनका मैनिफेस्टेशन कभी व्यर्थ नहीं जाता, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है, वो ऐसा नहीं होता कि बेकार चली जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाती है जिसकी वजह से आपके काम नहीं होते। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपने आगे कोशिश नहीं करनी है, येस एंड नो में आपको जवाब चाहिए, तो मैं येस एंड नो में ही जवाब दूंगी। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, 50% से कम अगर चांसेस मुझे दिखेंगे तो मैं नो बोल दूंगी, 50% से ज़्यादा मुझे चांसेस दिखेंगे तो मैं हाँ बोल दूंगी, ठीक है। ये मैं करने वाली हूँ, 50% से कम यानी कि अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका काम होगा, अगर आप कोशिश नहीं करते हैं काम नहीं होगा, ये होगा मेरा मतलब। तो जिनको कोशिश करनी है वो कर सकते हैं, उनका 50% से नीचे आएगा, ठीक है, तो मैं उनको बोलूँगी ना। सो ना से मेरा मतलब ये है कि जो लोग कोशिश नहीं करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहते हैं, स्पेल्स नहीं ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं होगा। अगर आप लोग करते हैं तो हाँ चांसेस हैं, ऑलराइट। और 50% से ऊपर का जिसका आएगा उसका ये होगा कि आप मैनिफेस्टेशन करो नहीं करो फिर भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज की रीडिंग होगी, सीधा सीधा मैं बोल देने वाली हूँ। ओके सो तैयार रहिएगा, मैंने फिर भी आपको हिंट्स दे दिए हैं कि किस तरीके से मैं ये सब रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल 1 के लिए ये वाला कार्ड है आपके लिए, अ मैन होल्डिंग अ हर्ट। पाइल 2 के लिए है यहाँ पर जर्नी। पाइल 3 के लिए है वुमेन होल्डिंग अ हर्ट। ये 3 कार्ड्स हैं आपके, आपको देख लेना है और आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कैसे करना है उसकी ट्रिक मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि समझ नहीं आ रहा कौन सा कार्ड पिक किया जाए, ठीक है। और जिनको ये रीडिंग अच्छी लगती है पिका कार्ड, उनके लिए तो आसान है। सो आप अपना टाइम लीजिए, ठीक है, मैं अपने हाथ इधर कर लेती हूँ। ओके वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से कार्ड्स देखिए और उसके बाद आपने एक सिलेक्ट करना है और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। ओके सो ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, मैन होल्डिंग अ हर्ट, ओके, तो देखेंगे कि आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। आपके करंट पार्टनर से होगी या फिर किसी और से होगी। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर यस आता है तो बेशक इन्हीं से होगी, और अगर नो आता है तो बेशक किसी और से होगी, वो तो क्लियर हो ही जाना है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं किस तरीके से रीडिंग करूँगी, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पर जाते हैं, नहीं सुनते मैं जो बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ वापस से बोल देती हूँ।
कि रीडिंग कुछ ऐसी होगी कि अगर 50% से कम के चांसेस होते हैं देन आई विल से नो, 50% से ज़्यादा के चांसेस होते हैं आई विल से येस. ओके, 50% से कम के चांसेस से मेरा मतलब है कि अगर आप कोशिश करोगे तो आपका काम होगा, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा. ठीक है, ये होगा मेरा नो. तो ये आप पर बनता है कि आप कोशिश करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए या फिर नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, आप पर डिपेंड करता है, आपका जो मन करे आप कर सकते हो. 50% से ऊपर के चांसेस आते हैं देन ये होगा कि अगर आप कोशिश करो, नहीं करो, कुछ भी करो, शादी इनसे होगी ही होगी. ठीक है, तो ऐसे मैं रीडिंग करने वाली हूँ. तो मैं इस कार्ड को रख देती हूँ यहाँ पर बाबा के पास और चलिए आपकी रीडिंग मैं शुरू करती हूँ. कार्ड मैं सामने ही निकालूंगी. ओके, ओके, यहाँ पर है 9 of Cups, डेथ, और यहाँ पर है द एम्परर. तो कि बेशक यहाँ पर सेपरेशन तो हुआ है आप दोनों के बीच में. मुझे ये नहीं लग रहा कि वो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं जिनकी बातचीत हो रही है. ये रीडिंग बेशक उन लोगों की है जिनके बीच में सेपरेशन हुआ है, यानी कि पहले सब कुछ अच्छा था लेकिन फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कनेक्शन ख़त्म हुआ है बेशक. और अब शायद आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, आप पर ध्यान नहीं दे रहे. ध्यान नहीं दे रहे मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि बात नहीं कर रहे क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे जैसा नहीं है. 9 of Cups है यहाँ पर, तो बेशक प्यार तो है आपसे लेकिन शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही हैं फैमिली की, या फिर मे बी इनका कुछ लाइफ पर्पज़ ऐसा है, कुछ इनका काम ऐसा है, करियर ऐसा है जिस पर बहुत ज़्यादा इन्हें फोकस करना पड़ता है, आपको उतना टाइम नहीं दे पाते जितना कि आप चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो. तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. और देख लेते हैं आपके पर्सन जो हैं वो वाटर साइन हो सकते हैं या फिर फायर साइन, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है. और वर्गो मुझे लग रहा है बार बार, आप लोग बताइएगा मुझे. ठीक है, ओके, तो फायर साइन मैंने पहले भी कहा था, लिब्रा हो सकते हैं. ठीक है, एयर साइन में लिब्रा हो सकते हैं, वाटर साइन में स्कॉर्पियो और कैंसर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है. लेकिन गाइस मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर मैं राशियां बता रही हूँ आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा तो ये नहीं कि आपकी रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, बहुत से लोगों को ये हो जाती है परेशानी कि हमारा तो राशि आया नहीं तो हमारी रीडिंग नहीं है. नहीं है, ऐसा नहीं होता, आपकी ही है भाई. जो मैं बताती हूँ वो रेजोनेट होना चाहिए. राशियाँ ये होता है कि इतना लंबा चौड़ा बर्थ चार्ट होता है, सभी की राशियाँ नहीं हो सकती. और अगर मैं सबकी बोल भी दूंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे सभी बोल दी फिर कौन सी है हमारी. ओके, सो लेट्स सी. ओके, तो आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर गए हो. जब से कनेक्शन ख़त्म हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं एकदम से चेंज आया होगा, आपने खुद पर फोकस करना शुरू किया. और ये हुआ तभी है जब ये कनेक्शन में अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, बदलाव आया. पहले सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, अच्छे से बातचीत होती थी क्योंकि 9 of Cups सबसे पहले है. और अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लेकिन फ्यूचर में नहीं रहेंगी. ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हालांकि मैंने नहीं देखा लेकिन फिर भी मुझे एनर्जी आ रही है तो मैं बोल रही हूँ कि अभी ये बात नहीं कर रहे बेशक लेकिन इस बात तो आपको कर रहे हैं. ये कार्ड्स अगर मैं इस तरीके से रखूँ ना तो आपको समझ आएगा कि आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हो ना ये आपको देखते रहते हैं हर वक्त. बोलते भले ही ना हो, बात भले ही ना करते हो, मैसेजेस का रिप्लाई भले ही ना करते हो, क्योंकि नहीं करते होंगे. यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, अपनी तरफ से बात करना पसंद नहीं करते, आप ही बात करो, आप ही सब कुछ करो. लेकिन जो भी है देखते रहते हैं आपको. पसंद बहुत करते हैं. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि आपकी इनके साथ में शादी होगी या फिर नहीं होगी. बहुत ही क्विक छोटी सी रीडिंग है, इनिशियल्स भी देखूंगी मैं, उससे भी कंफर्म हो जाएगा. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपसे दूर रहते हों. ठीक है, एक सिटी में तो मुझे नहीं लग रहा, कंट्री का मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ सिटी हो सकता है अलग अलग हो. ठीक है, दूर हो. कुछ लोगों के लिए कंट्री हो सकती है कि दूसरे कंट्री के हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बता पा रही हूँ कि सिटी हो सकती है. ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर या फिर दोनों ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप दोनों ही बड़े ही मतलब बराबर के ही हो, जैसे ये करते हैं वैसे आप भी करते हो. ओके,
आपका भी ये है कि वो बात नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, और उनका ये है कि ये बात नहीं करी तो हम क्यों करें। आपकी तरफ से सोच, आपकी सोच ये है कि मैंने कोशिश अच्छे से कर ली, अब इसने आना होगा तो खुद आएगा, और उनका सोचना ये है कि हमने अपनी तरफ से कोशिश करी थी, अब इनको आना होगा तो ये आएंगी। ठीक है, जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ तो आप सोचें कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है, मेल्स भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है यूनिवर्स का जवाब। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके गाइस, यस यस एंड यस। ठीक है ना, आपकी शादी हो जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये बात नहीं कर रहे। लेकिन मैंने कहा था, देखो मैं रीडिंग कर रही थी और मैंने कहा था कि फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है, और देखो यहाँ पर कार्ड्स भी वैसे ही आ गए। ठीक है, आपको भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आप जैसे इस एनर्जी में होना बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को मैनिफेस्टेशन का अच्छे से पता है और आप लोग कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, इनर वर्क कर रहे हैं आप लोग, वो जो भी हो लेकिन काम कर रहा है भी। आप जो भी कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना वो काम कर रहा है। ठीक है, देरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 2 साल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा, और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, इंगेजमेंट का या शादी का हो सकता है विद इन 2 मंथ्स या 2 to 3 मंथ्स। ठीक है ना, सो शादी या बेशक हो जाएगी आप लोगों की, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव रहें। ठीक है, निगेटिव ना हो, इस एनर्जी में आपको होना चाहिए हमेशा ही, तभी काम बनेंगे और उसी की वजह से काम बन रहे हैं। ये इनको आदत नहीं है सामने से आकर बोलने की, कुछ कहने की, लेकिन भाई ये खुद आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रेंड को आपके पास भेजें। इनिशियल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आपके लिए, यस हो सकता है इनका नाम शुरू होता हो, या आपका आर है यहाँ पर, 7 है। ठीक है, एंड ओ है यहाँ पर, 6 है, 9 भी ले सकते हो, जो भी समझ लो। एन है आपके लिए, डी है, के है, एल है यहाँ पर, ये देखिए 6, 7, 8, ये डेट्स आए हैं, और ये ऐसे भी हो सकता है। ओके, एच है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, एम है यहाँ पर, जेड है, ये बी भी है यहाँ पर आपके लिए, और ये क्वेश्चन मार्क है। बेशक आप ही सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सवाल आपके मन में चल रहे हैं, आपके दिल में चल रहे हैं, तो भाई आपके सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपके लिए हाँ आया है। और जो टैरेट रीडिंग देखते रहते हैं उनको भी पता है कि ये कार्ड्स इनका मतलब क्या है। ठीक है, लेट हो सकता है गाइस, ये तो मैं कहूँगी कि लेट हो सकता है। ठीक है ना, और इसीलिए मैंने कहा कि एनर्जी अपनी लो ना होने देना, क्योंकि देरी होगी तो बेशक आपके मन में डाउट्स आएंगे कि होगा भी या नहीं होगा, तो वही मैं कह रही हूँ कि इस तरीके के डाउट्स ना आने दें। बेशक आप दोनों की शादी हो जाएगी, खुश रहिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है, अपने ऊपर काम करते रहो और सारी चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे आप चाहते हो, राइट। देखिए ये नंबर भी कैसा आया है। ओके, तो ईश्वर है आपके साथ, खुश रहिए आप लोग। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, छोटी सी रीडिंग थी, मैं बस क्लियर करना चाहती थी, आपको जवाब देना चाहती थी। अगर पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। और करंट फीलिंग्स पर अगर वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, सारे ही टाइमलेस रीडिंग्स हैं, आप जब चाहो देख सकते हो। ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन में जो लोग हैं उनके लिए अगला वीडियो होगा कि उनके एनर्जी क्या है। ऑल राइट, तो चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है पाइल नंबर 2 के लिए, जर्नी, तो देख लेते हैं आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, होगी नहीं होगी किस तरीके से मैं हाँ और ना कहने वाली हूँ आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर 50% से कम के चांसेस आते हैं, आई से नो, 50% से ज़्यादा के चांसेस आते हैं, आई से यस।
50% से कम के चांसेस से मतलब है कि अगर आप कोशिश करते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन किया, प्रेयर्स की, तो आपकी शादी होगी, नहीं करते तो नहीं होगी, ठीक है? ये होगा मेरा मतलब। अगर 50% से ऊपर के चांसेस आते हैं, इट मीन्स कि आप कुछ भी ना करो तब भी शादी होगी, ठीक है? तो वो आप समझ लेना, अगर आपको कोशिश करनी है तो आप कर सकते हो। सपोज मैंने बोला नो, नो का मतलब होगा अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी शादी होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है? सो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कोशिश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। करोगे तो हो जाएगी, नहीं करना चाहोगे तो नहीं होगी। ऑलराइट, ये है मेरा मतलब आज का, आज की रीडिंग का। लेकिन मैं येस एंड नो ही कहूँगी, मैं मे भी नहीं कहूँगी, ठीक है? सो चलिए देखते हैं, ये कार्ड मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, आपकी रीडिंग शुरू कर देती हूँ। ऑल द बेस्ट गाइस। एट ऑफ पेनिकल्स, आपके पर्सन जो हैं अर्थ साइन हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, ठीक है? हरमिट, ये तो कोई जर्नी चली आप दोनों के बीच में। क्वीन ऑफ वॉन्स फायर साइन हो सकते हैं। ओके, वर्गो हो सकते हैं, लियो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है। हाँ, आपके पर्सन तो पूरी तरीके से कैरियर 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 बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनको लगता है कि फ्यूचर बनाना है तो भाई कैरियर पहले बनना चाहिए, मतलब शादी करनी है तो पहले कैरियर होना चाहिए अच्छा खासा। मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक तो वो फोकस नहीं कर रहे थे आप पर, आप कहीं ना कहीं लगे हुए थे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में। हार्मिक का कार्ड है तो बेशक आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत इनका इनके लिए बहुत वेट किया है आपने, और काफ़ी कुछ, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से आपने इनर वर्क भी किया है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। अपने ऊपर भी काम किया है, प्रेयर्स भी करी हैं, सब कुछ अपना आपने, मतलब कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ किया। जिस जिस मैं कार्ड्स ऐसे रखती, दिखाई नहीं दे रहे थे, मैं कार्ड्स ही देख रही थी, ठीक है? जिस जिसने जो जो भी बताया वो आपने कर दिया। मंदिर गए, मस्जिद गए, सब कुछ किया आपने, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, कुछ छोड़ा ही नहीं आपने, ये देख पा रही हूँ मैं। शायद आपको ये भी लगता रहा हो कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, ये भी है यहाँ पर। लेकिन मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, 50% लोग ऐसे हैं जिनका इंगेजमेंट हो गया होगा इस पर्सन के साथ, लेकिन उसके बाद भी वो ये देखना चाहते हैं कि शादी होगी या फिर नहीं होगी। तो बेशक फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये डाउट्स आ रहे हैं। सबके लिए मैं नहीं कहूंगी गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जिनका इनके साथ में इंगेजमेंट तो हो ही गया होगा, ठीक है? और जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इंगेजमेंट नहीं हुआ है तो मतलब बातचीत तो हो रही है, ऐसा तो है यहाँ पर। 50% लोगों के लिए तो नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग। चलिए देखते हैं, और देख लेते हैं कार्ड्स। ओके, मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा रुपए पैसे पर ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर, और आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो, क्योंकि यहां पर देखिए एट ऑफ पेनिकल्स है, और यहां पर एक पेनिकल यहां पर है, तो आपको ऐसे लगता है कि अगर आप दोनों मिल जाते हो आपकी लाइफ में, जिसे हम कहते हैं अबंडेंस, तो आपको लगता है कि इनके साथ में शादी कर लेना, इनके साथ रहना ही आपके लिए अबंडेंस है, और सारी चीजें नहीं। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि आप जॉब करो, अपना कैरियर बनाओ, पैसे कमाओ, अबंडेंस आती है, तो वो अबंडेंस आपको अबंडेंस नहीं लगती, आपको ये लगता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ में शादी कर लेते हो वही आपके लिए अबंडेंस है, ठीक है? ऐसी सोच है आपकी। डेथ कार्ड है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, ठीक है? यहाँ पर एंडिंग है, बेशक एंडिंग आप चाहते हो, लेकिन एंडिंग आप दोनों के बीच में नहीं, आप एंडिंग चाहते हो कि ये इतने दिनों से जो चला आ रहा है, हो सकता है आप 7-8 सालों से इनका वेट कर रहे हो, ठीक है?
ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप लोग लिव इन में रहते हो, मे बी शादी की बात हुई तो चीज़ें बिगड़ गईं, ठीक है ना? तो आप चाहते हो कि अब एंडिंग हो ये जो भी साइकिल चल रहा है इतने वक्त से उसका, और सही भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे 10 साल दिख रहे हैं, बताना आप लोग मुझे, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं इस पार्टनर के साथ में आपकी शादी होगी या फिर नहीं होगी। एट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो बेशक आपकी शादी होगी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि डिफ़िकल्टीज के साथ में होगी, ठीक है? आप कुछ करो नहीं करो तब भी शादी तो होगी होगी, लेकिन हाँ यहाँ पर परेशानियाँ लगेंगी, उसके बाद भी शादी होगी, ये मैं कह रही हूँ। दिक्कतें यहाँ पर आएंगी और मुझे ये लग रहा है कि मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? मदर इश्यूज़ या फिर फादर इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर, मतलब मैं कहूँगी फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है? लेकिन शादी हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है, शादी हो जाएगी, लेकिन हाँ तकलीफ़ होगी आपको इस दौरान, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, लेकिन वही बात है कि शादी हो जाएगी। आप मैनिफेस्टेशन करो नहीं करो कुछ भी नहीं करो, फिर भी आपकी शादी होगी, क्योंकि भाई वो रिटर्न है, ऑलराइट, विक्ट्री आपकी होगी। लेकिन हाँ शुरुआती जो कि मैं अभी बता रही हूँ, जो करेंट सिचुएशन है उसी के हिसाब से अगर ये कार्ड देख लो तो बेशक यही है। आपको बहुत से लोगों को, 50% लोगों को ये लग रहा होगा कि पता नहीं कुछ होना भी है या नहीं होना है, तो बेशक यही एनर्जी है और ये अगले 6 महीने तक रहने वाली है, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है? लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक है, शादी हो जाएगी भाई, तो खुश हो जाओ। इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पर्सन के, अभी तक तो पॉजिटिव ही आया है, पहला पाइल भी आया था, ये भी आया है, हालांकि वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि वहाँ पर ऐसे कार्ड थे कि कोई तकलीफ ही नहीं होगी, शादी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो है, चीज़ें हैं, तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी भी आपको, मैं जो है सच सच बता रही हूँ। जी है यहाँ पर आपके लिए, क्यू है, जीरो ले सकते हो, ओ ले सकते हो, डब्ल्यू है यहाँ पर, एन है, एक्स है यहाँ पर, और जेड है यहाँ पर, टी है, यू भी है, तो आपका या आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है इससे, ठीक है? सो यस, यहाँ पर आपके लिए यस ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तकलीफ वगैरह झेलनी पड़ सकती है, ठीक है? लेकिन हाँ यस है, ये बड़ी बात है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग छोटी सी, और आई होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल, एंड मैं फिर से आऊँगी और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, विमेन होल्डिंग अ हर्ट, जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी या फिर नहीं होगी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं रीडिंग करने वाली हूँ कुछ इस तरीके से कि अगर 50% से कम के चांसेस होते हैं इससे नो, 50% से ज़्यादा के चांसेस होते हैं इससे येस, ओके? 50% से कम के चांसेस मतलब अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी शादी होगी, अगर आप कोशिश नहीं करते हैं शादी नहीं होगी, ठीक है? मैनिफेस्टेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं तो शादी होगी पक्का, लेकिन नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला, ये होगा मेरा मतलब अगर 50% से कम के चांसेस आते हैं। 50% से ज़्यादा के चांसेस आते हैं मैं येस कह दूंगी, उसका मतलब ये होगा कि होगी ही होगी, कुछ करो ना करो फिर भी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है पाइल नंबर 3 की रीडिंग, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेनिकल्स, पेज ऑफ पेनिकल्स, हो, फोर ऑफ कप्स, ऑल राइट। तो ये जो कार्ड्स हैं ये यही बताते हैं कि भाई आप तो तैयार हो पूरी तरीके से, आपका पार्टनर नहीं मान रहा, उसको दिक्कतें हो रही हैं,
और मुझे ऐसे लगता है कम से कम 1 साल हो गया है आपको वेट करते हो, और हर बार आप एक नई शुरुआत कर देते हो कि नहीं चलो इस बार कुछ तो होगा, इस बार प्रेयर्स करते हैं कुछ तो होगा, इस बार तो बात बनेगी, लेकिन फिर से वही कुछ ना कुछ हो जाता है। वर्कलोड बहुत है आपके पार्टनर पर, बाय द वे। आप और आपके पार्टनर हो सकता है अर्थ साइन हो, ठीक है, या फिर वाटर साइन हो सकते हैं। ओके, बातचीत नहीं हो रही है, बात नहीं कर रहे इस बारे में, शादी के बारे में बातचीत नहीं हो रही है, यूं ही बात करते रहो तो तब तो ठीक है, रिलेशनशिप में रहना है ठीक है, लेकिन शादी की बात नहीं करो। थ्री ऑफ सोर्ड्स और फाइव ऑफ सोर्ड्स एक साथ आ गए। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप या दोनों ही, ठीक है। हर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करेंगे गाइस। भाई यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका कनेक्शन बढ़े, शादी हो, और ऐसे लोग हैं जो जलते हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। कुछ फैमिली के मेम्बर्स भी हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं या कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही। कहते हैं ना नज़र लगा दी, तो वैसा वाला मुझे यहाँ पर लग रहा है सीन। चलिए देखते हैं ये जो भी है उसके बाद आपके शादी होने के चांसेस हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये तो बात करने को तैयार ही नहीं है, ये तो हट करके बैठे हैं कि बात नहीं करनी है। और आप हैं कि मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि इनका भाई हर्ट चक्रा ब्लॉक है, तो आप चाहे तो इनकी हीलिंग करवा लें, ठीक है। हीलिंग आप करवा लो जिससे कि ये कोई डिसीज़न ले पाए, क्योंकि हर्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो भाई डिसीज़न नहीं लिया जाता, मतलब ले नहीं पाता है बंदा या बंदी जो भी है। अभी तक इनको सभी ने हर्ट ही किया है, सभी ने धोखा ही दिया है, तो इनका विश्वास हट चुका है शादी वगैरह पर से, ठीक है। और अगर ये मैरिड हैं, सपोज कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हैं, मतलब डाइवोर्स हो चुका है, तब भी वही चीज़ें आ जाती हैं कि अब मन नहीं लगता शादी वगैरह का सोचने में। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, रिजल्ट क्या है, क्या यूनिवर्स बताती है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मेरा जवाब है नो, ठीक है, क्लियर नो है। क्योंकि गाइस यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि शादी को लेकर ये तैयार नहीं होना चाहते। अब आप मैं कहूँगी यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 50% से कम है, यानी कि अगर आप ट्राई करते हो तो बेशक आपकी शादी होने के चांसेस है, क्योंकि हेरोफेंट है यहाँ पर, नाइट ऑफ सोर्ड्स है बेशक, लेकिन अगर आप कुछ ट्राई नहीं करते हो, सपोज कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं सालों से हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, अब हम थक चुके हैं, अब हमें बता दीजिए कि क्या होने वाला है, तो उनके लिए जवाब ये है कि नहीं, मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं तो फिर से करना पड़ेगा, कहाँ कमी आ रही है वो देखना पड़ेगा, तब तो चांसेस है, क्योंकि ये दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। वर्क करेंगे तो बेशक होगी शादी, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पर्सन के, या आपके हो सकता है नाम शुरू होता हो या आपके पार्टनर का। OSGL यहाँ पर नोटी है, ये मैं एल क्यों बोली, होगा मे बी किसी का नाम शुरू होता हो आपका या इनका। डी है यहाँ पर, ओ ले सकते हो, जीरो ले सकते हो, आर है यहाँ पर, ये 7 है गाइस, और यहाँ पर एच है, यहाँ पर जे है, यहाँ पर 6 है या 9 है, जो समझ लो, ठीक है, ये इनिशियल्स हैं आपके लिए। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, क्विक रीडिंग, ठीक है। अभी ये तैयार नहीं हो रहे और आगे भी मुझे यही लग रहा है ऐसे तैयार नहीं होंगे। मैंने पहले ही कहा था कि इनका हर्ट चक्रा ब्लॉक है, और ब्लॉक है अगर तो भाई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, करना पड़ता है आपको काम, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा कुछ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा ये चैनल, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। करेंट फीलिंग्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए मेरे चैनल पर हैं, टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो, और मैं कल भी डालूंगी तो चाहे आप वो देख सकते हो, ठीक है। सो मैं फिर से आऊँगी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।